आज फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको लेके चलती हूँ कुम्हार के घर। एकदम ताज़े बने बने हुए ये कुल्हड़ रखे हुए हैं। ये अभी देखिए पके नहीं हैं, एकदम कच्चे कच्चे हैं। इसमें ग्रिटनेस बिल्कुल नहीं है, बहुत चिकनी मिट्टी के बने हुए हैं ये देखिए। और आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा, छू के मैं देख रही हूँ तो मुझे छूने से समझ में आ रहा है इस मिट्टी में ग्रिटनेस जो है बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसमें रेत होती है या किरकिरी किरकिराहट होती है तो इसमें ये दानेदार होते हैं, जबकि ये चिकने हैं एकदम। और इसको देख के एकदम मुँह में पानी सा आ रहा है। और अंदर देखें क्या है, अंदर कुछ है कि नहीं। और चलिए चल के देखते हैं कि और इनकी शॉप पे क्या है। तो देखिए हम अंदर आए हैं इनकी शॉप पे, और इनकी शॉप में अंदर भी देखिए कुल्हड़ रखे हुए हैं कच्चे कच्चे। और ये देखिए ये पके हुए कुल्हड़ हैं, ये देखिए ये कच्चे कुल्हड़ हैं, अभी सूख रहे हैं, अभी इनको जो है भट्टी पे पकाया नहीं गया है। ये सारे कुल्हड़ हैं, इसको कच्ची मिट्टी भी कह सकते हैं हम इस समय। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स भी ज़रूर करिए। ये देखिए ये हमारे पके हुए कुल्हड़ हैं, जिनको भट्टी में थोड़ी देर रोस्ट करके पकाया गया है। ये भी देखिए पका हुआ कुल्हड़ है हमारा, लेकिन ये सारे सॉफ्ट हैं। जब कुल्हड़ को थोड़ा सा पका लिया जाता है किसी भी मिट्टी के बर्तन को, तभी उसका असली जो है वो पता चलता है। और एकदम कच्चा हो या बहुत ज़्यादा पका हो तो वो क्ले पॉट्स अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब क्ले पॉट एकदम कच्ची मिट्टी का भी नहीं हो और थोड़ी भी पका हो, उस क्ले पॉट का यूज़ करना बहुत ही बेहतर होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए मैं आपको जो है पके हुए क्ले पॉट भी दिखा रही हूँ। ये देखिए ये सॉसर है, और ये सॉसर भी इसी मिट्टी के चुकी बने हुए हैं। इन सॉसरों में भी किरकिराहट बिल्कुल नहीं है, स्मोकी स्मोकी से हैं। ये देखिए कितने ढेर सारे हैं एक साथ। मैं अलग अलग शॉप से अलग अलग वीडियो बनाती हूँ, आप ये नहीं सोचिए कभी भी कि मैं एक ही शॉप से वीडियो बना रही हूँ। चलिए बाय।